हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में या फिर आईफोन में एंड्रॉयड फ़ोन में आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे कोई भी फाइल्स शेयर कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर की मदद से या फिर बिना किसी वायर कनेक्शन के। तो चलो गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इस मेथड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन जो है गूगल पिक्सल 2 XL है और यहाँ पर आईफोन जो है ये आईफोन 10 मॉडल है। तो हम यूज़ करने वाले हैं अपना शेयरिट टूल। मैं समझता हूँ कि शेयर्ड जो टूल है वो आईफोन से एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी चीज़ शेयर करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल है, तो इसलिए मैंने इन दोनों फ़ोन्स में इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है। और वैसे इंडिया में ये एप्लीकेशन बैन है अगर आपको ये डाउनलोड करनी है। एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करनी काफ़ी आसान है, सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में जाएं और शेयरिट APK डाउनलोड लिखें और आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आईफोन का ट्यूटोरियल मैंने मेरे चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस टूल को ओपन करें बोथ डिवाइसेस में। तो जी गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन में रिसीव लगा देना है। अगर आपको फोटोज़ वीडियोस अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में सेंड भी करनी है तो भी आपको रिसीव ही लगाना है हमेशा एंड्रॉयड फ़ोन में। तो चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर अपने आईफोन में आपको अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन का ये जो पर्सनल हॉटस्पॉट है इसे ऑन होने दें। अब अपने आईफोन में बैक जाएं, सेटिंग्स ऐप में वाईफाई कनेक्शन में जाएं। यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं और सेम जो ये वाला वाईफाई कनेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्ट CSZWWY, ये वाला वाईफाई कनेक्शन अपने आईफोन में आपको कनेक्ट करना है। पासवर्ड अगर पूछेगा तो यहाँ पर आपको पासवर्ड की भी दिख रही है, KL। अगर गाइस आपका कोई भी कैपिटल लेटर है तो सक्सेसफुली नेटवर्क ज्वाइन होने के बाद में फिर से आपको शेयरिट ऐप में वापस जाना है और यहाँ पर आपको रिसीव लगा सकते हैं या फिर सेंड बटन दबा सकते हैं। इनमें से आपका कोई भी बन चाहे तो आप आईफोन में दोनों बटन्स को जो मर्जी दबा सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर रिसीव दबाता हूँ लेकिन इस बार मैं सेंड ऑप्शन को दबाऊंगा। तो ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला डिवाइस शो होगा, इस पर क्लिक करते ही आपको आपका जो सक्सेसफुली दोनों फ़ोन्स का कनेक्शन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर गाइज आप देख पा रहे हैं कि पिक्सल 2 XL डिवाइस मेरा कनेक्ट हो गया है। और अगर मान लीजिए अपने आईफोन में से मुझे एंड्रॉयड फ़ोन में फ़ोटो सेंड करनी है तो मुझे फ़ोटो सेक्शन में जाना है। यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई भी फ़ोटो सेंड करना चाहूँ तो मैं सिंपली फ़ोटो सेलेक्ट करके बस शेयर बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरी जो फ़ोटोज़ हैं वो ऑलमोस्ट इस डिवाइस में आ जाएंगी। अगर मुझे इस डिवाइस में सेंड करनी है तो मैं इस फ़ोन से वीडियो शेयर करना चाहता हूं अपने आईफोन में तो मैं वीडियो सेक्शन में जाऊंगा और यहां पर मैं ये वीडियो को सिलेक्ट करके सेंड बटन पे दबाऊंगा तो यहां पर ये वीडियो मेरे आईफोन में आ गई है। लेकिन आईफोन में ये गैलरी में अभी शो नहीं होगी, आपको एक और थोड़ी सी छोटी सी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी सेटिंग है, जस्ट होल्ड ऑन में आपको सारी की सारी अभी दिखाऊंगा। तो जस्ट होल्ड ऑन इसको शेयर हो लेने दें। तो शेयर कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो रिसेंट से क्लियर कर दें। और अब आपके आईफोन में आपको अगर मान लीजिए कोई भी वीडियो जो आपने शेयर कर रखी है वो आपको अपने आईफोन फोटोज ऐप में चाहिए तो आपको सबसे पहले बैक जाना है, फिर लोकल ऐप में जाना है। लोकल सेक्शन में यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी, सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करें और इम्पोर्ट्स ऑप्शन पे क्लिक कर दें और आपकी जो ये वीडियो है वो फोटोज़ तो ऑटोमेटिकली आपके फोटोज़ ऐप में इम्पोर्ट हो जाएंगी और वीडियो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करते ही हो जाएगी। यही है सिंपल मैथड कि आप अपने आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन से फोटोज़ वीडियोज़ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैथड काफ़ी पसंद आया होगा। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास भी आईफोन है और वो भी फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।